हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लाया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत से कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइए। सबसे पहला लिखिएगा इंडियन इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि ये इंडियन एसोसिएशन जो है वो किसने बनाया है या बनाया था, तो आप टिक करके आएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने ये बनाया। इसी तरीके से एक और इंस्टीट्यूशन लिखेंगे आप, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरे साथ साथ बच्चों लिखते आइएगा, खाली वीडियो देखिए मत, लिखते भी जाइए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कॉन्फ्रेंस जो है किसने बनाया है, ये भी आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने बनाया था। बट खासियत ये थी कि ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था ये 1886 में आपका आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके क्या हो गया था, मर्ज हो गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 1886 में कौन सा आपका एक जो इंस्टीट्यूशन था या पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके मर्ज हो गई, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई थी। तो आप टिक करके आइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ एक और आपको बात रखनी है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ऐसे इंसान थे जिनको सस्पेंड किया गया था, कहां से, इंडियन सिविल सर्विसेज की सर्विसेज से, बाय दी ब्रिटिशर्स। ये भी पूछा जा सकता है कि किसको सस्पेंड किया गया था सिविल, इंडियन सिविल सर्विसेज से। उस समय आईएएस ना होके आईसीएस कहा जाता था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप टिक करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सस्पेंड किया गया। इस तरीके से अगर हम अगला एक और पॉइंट देखें, क्या जमींदार एसोसिएशन, ठीक है, जमींदार एसोसिएशन एसोसिएशन ये किसने बनाई, सॉरी ये कब बनी, तो आप टिक करेंगे 1838 में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये एसोसिएशन जो है दे देते हैं, ईयर दे देते हैं, पर आपको बोलते हैं ऑर्डर वाइज उनको लगा। तो जमींदार एसोसिएशन जो है 1838 में। इसी तरीके से आपका मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा अगर ये पूछे कि कब बना था, तो आप टिक करेंगे 1884 में ये बनाया गया था। इसी तरीके से आपका अगर हम बात करें कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को, लिखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, नाम बहुत कुछ आपस में मिलते जुलते हैं, कि ये कहां, ये किसने बनाया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तब आप टिक करके आएंगे राधा कांत देव। मेरे साथ साथ लिखते आएंगे राधाकांत देव ने बनाया था। इसी तरीके से कुछ नाम एक और मिलता जुलता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एसोसिएशन ये किसने बनाया था, तो आप टिक करेंगे के टी टैलंग, टी ए आई एल ए एन जी भी कर सकते हैं और एल ई एन जी भी कर सकते हैं, टैलंग। ठीक है, देखो बच्चों ये आप लिखते जाओ क्योंकि ये सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मॉडर्न इंडिया के लिखा रहा हूँ। इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो अभी मैंने क्या लिखा है आपको कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आर कांत या राधा कांत देव ने बनाया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये आपके के टी तैलंग ने बनाया। इसी तरीके से सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन एसोसिएशन पूछा जाए किसने बनाया, तो आप टिक करके आएंगे सैयद आमिर अली ने बनाया। ठीक है, सैयद आमिर अली, ठीक, सैयद आमिर अली ने बनाया। तो कुछ इस तरीके के सवाल जो है वो आपको लगातार मेरे साथ करते जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए कि एक बड़ा ही ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि आईएनसी से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने से पहले, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी,
तो इससे पहले कौन सा ऐसा एक इंस्टीट्यूशन या पार्टी थी जो एक मेजर पार्टी मानी जाती थी? तब तो आप टिक करके आइएगा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, इसको एक बहुत बड़ी पार्टी माना जाता था इसके बनने से पहले, आईएनसी के बनने से पहले। उसके बाद एक आपके लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अक्सर इनका ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है या जो आपकी आईएनसी है वो बहुत ही कम लोगों का, यानी कि माइक्रो पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, यानी कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन करती है, कोई ऐसा खास कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिस तरीके से इनका लॉर्ड डफरिन का आपका स्टेटमेंट था। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये कहाँ बना था, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये कहाँ बना था, तो आप टिकर क्या आइएगा लंदन में। और इसी तरीके से नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन कहाँ बना था, तो आप टिकर क्या आइएगा लंदन। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी आप टिकर के आएंगे लंदन में, और नेशनल इंडिया एसोसिएशन भी आप टिक करके आएंगे लंदन। तो बच्चों कुछ ये सिलेक्टेड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट्स मैंने रखे हैं जो आप, मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।